तो अब समझ में आया कि परियां इस बात को छुपा रही थी, इतनी कड़ी सुरक्षा किस लिए रच रही थी। तौबा तौबा, तुम्हें इस बात का पता कैसे चला? बता दूंगा अगर मैं इसे कि जाकर पृथ्वीलोक लेता हूं मैं निर्मल आनंद, तो नहीं जाने देगी ये मुझे, क्योंकि नहीं करती ये खुद भी मजा और ना ही है करने देती दूसरों को भी मजा। मैंने तुमसे पूछा तौबा तौबा, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? अब बताओ क्या मैं महाविनाशनी है? पहले मैंने कितने पापड़ तब जाके है मिली मुझे ये जानकारी। दरअसल हुआ यूं कि रख रहा था मैं नजर सात सच्चों के परिवार पर, क्योंकि है उन पर तो चार हाथ परियों के और बालवीर के, है आपको ये तो पता। तो अचानक वो क्या देखता मैं आई वहां पर दो परियां देने न्योता बालवीर के जन्मदिन का। बड़े मुश्किल से सुनी मैंने उनकी बातें और आया यहाँ पर दौड़कर आपको ये बताने। बहुत अच्छा किया तो बता, बालवीर का जन्मदिन, बुराई की रक्षक, सच्चाई की विनाशक, महाविनाशिनी का खेल शुरू होगा। बालवीर का 12वां जन्मदिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। रहा वो बालवीर, रानी परी के आदेश अनुसार है रोकना मुझे बालवीर को पृथ्वीलोक पर, ताकि समय से पहले पता न चले उसे कि है कि आयोजन परियों ने उत्सव का उसके जन्मदिन पर। मुझ चलाता कोई चक्कर में। अब ठीक है, ये लो जाओ खेलो इससे, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि इतनी छोटी छोटी बातों के लिए जिद करना बुरी बात है। थैंक यू बालवीर। कोई बात नहीं, जाओ। माँ रानी परी और बाकी परियां मेरी राह देख रहे होंगी, मुझे उनसे आशीर्वाद भी तो लेने हैं, मुझे परीलोक जाना चाहिए। बालवीर, 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 बालवीर। अरे क्या हुआ? मेरी माँ खो गई है। देखो तुम चिंता मत करो, बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढ दूंगा। अच्छा तो बताओ तुम्हारी माँ कैसी दिखती है? वो राधा के जैसे लगती है, उनका नाम है येलो साड़ी और रेड ब्लाउज। क्या मतलब? उनका नाम है राधा, उन्होंने येलो साड़ी पहनी है और रेड ब्लाउज पहना है। येलो साड़ी और रेड ब्लाउज, ऐसे तो कई सारी महिलाएं होगी, मैं इसकी माँ को कैसे ढूंढूं? देखो चिंता मत करो, तुम अपनी माँ के बारे में मुझे थोड़ा और बताओ। वो थोड़ी लंबी है, उनके बाल थोड़े खुले, भूरी भी है, उनके पास एक लाल कलर का पर्स है। हेड पर्स। थक जाओगे अब तुम बालवीर ढूंढ ढूंढ कर, लेकिन मिलेगी नहीं ऐसी कोई महिला तुम्हें। देखो तुम चिंता मत करो, चलो हम तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं। ठीक है। सुनिए बेटा, ये तुम्हारी मम्मी है? नहीं, माफ कीजिएगा। सुनिए बेटा, ये तुम्हारी माँ है? नहीं, माफ कीजिएगा। चलो अब सुनिए, ये तुम्हारी मम्मी है? नहीं। अब कोई बात नहीं, हम आगे देखते हैं, चलो। बेटा वो देखो, वो रही तुम्हारी माँ, चलो। अरे रुकिए रुकिए, ये आपकी बेटी जो आपसे बिछड़ गई थी। नहीं नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। मम्मी मम्मी प्लीज अब ऐसा मत बोलिए, मैं कभी नहीं मस्ती करूंगी, मुझे घर जाना है।
बालवीर, ये क्या मजाक है? मैंने कहा ना कि ये मेरी बेटी नहीं है। अरे देखिए, बच्चे तो थोड़ी मस्ती करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दे। देखो, ये मेरी बेटी नहीं है, मेरा तो एक ही बेटा है जो कि कॉलेज में पढ़ता है। छोड़ो मुझे। क्या हो गया आज तुम्हें बालवीर? अरे रोम रोम, ठीक है चलो। अरे मोंटू बस, आज सुबह सुबह इतनी शॉपिंग क्यों? अगर इसको बता दिया कि बालवीर के पार्टी में मुझे इनवाइट किया गया है तो परिया मेरा इनविटेशन कैंसिल कर देंगी। वो तो ऐसे ही आज शॉपिंग करने का मूड हो गया तो मैं आ गया। पर तू क्यों आया और तेरे बैग में क्या है? आपको बता के मुझे मेरा इनविटेशन कैंसिल नहीं करवाना। कुछ नहीं बस, वो तो इसमें मम्मी के कपड़े है, वो मम्मी ने ड्राई क्लीनिंग में दिया था ना, बस वही लेके आ रहा हूँ। और मोंटू बॉस, आप ऐसा खुला मत घूमो, कहीं वो मोटी वापस आ गई ना तो आपकी बैंड बजा देगी। अरे हाँ, उस मोटी से तो पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। मैंने चित्तू को बोल दिया इस परफ्यूम का तोड़ दूर, वरना मैं उसे तोड़ दूंगा। बॉस, अब तो पक्का टूटोगे। रोई देख, मुझे बचा ले, मैं तुझे बहुत सारे पिज्जा बर्गर खिलाऊंगा। जाओ बस, अब जाओ अच्छा हुआ रोहित, तूने उस मोटी को चकमा दे दिया, वरना वो बैस अकल की दुश्मन मेरी जान ले लेती। मैं तुम्हारी जान क्यों लूंगी, तुम तो मेरे दोस्त हो ना। पटकाती परी, चलिए शुरू करते हैं बालवीर का मनपसंद फल जानने का आयोजन। हाँ, ताकि आयोजक परिया उस फल का केक बना सके। हाँ, लेकिन हमें बहुत ही होशियारी से काम लेना होगा ताकि बालवीर को ये ना पता चले कि हम उसका मनपसंद फल क्यों जानना चाहते हैं। ये सही कहा आपने पटकाती परी। हाँ। पटकाती परी, वो देखिए बालवीर, चलिए। ये बच्ची कहाँ चली गई? पहले इसकी माँ नहीं मिल रही थी और अब ये बच्ची अचानक गायब हो गई। पता नहीं अब मैं इस बच्ची को कहाँ ढूंढूं। बालवीर, बालवीर, परियो, आप दोनों यहाँ और इस रूप में? वो बस ऐसे ही सोचा कि पृथ्वी लोक के फलों का स्वाद चख ले तो आ गए। हाँ। बालवीर, ये सेब कितना अच्छा है ना। हाँ। आपको सेब बहुत पसंद है ना। हाँ, लेकिन सेब उतना पसंद नहीं है, नहीं। मुझे मौसमी ज्यादा पसंद है। मौसमी ज्यादा पसंद है बालवीर। अच्छा परियो, आप दोनों यहाँ पर रहकर फल खाइए, मैं परिलोक जाता हूँ। बालवीर, परिलोक में कोई नहीं है। हाँ। सब लोग अपने अपने काम से बाहर गए। हाँ। बाहर गए हैं। अच्छा, तो कब तक लौटेंगे? कब तक लौटेंगे? कब तक लौटेंगे? अब शाम को। हाँ। शाम को। शाम तक लौट जाएंगे। हाँ। शाम तक। अच्छा। ठीक है। वैसे बालवीर, ये सब छोड़िए ना, आपको सेब नहीं पसंद तो आप ये संतरा लीजिए, संतरा खाइए। हाँ। आपको मन पसंदीदा फल खाइए। नहीं नहीं, संतरा मुझे अभी नहीं खाना है, कभी कभी खट्टा भी बहुत होता है। अच्छा बाबा बाबा, चीकू चीकू आपको बहुत पसंद है ना बालवीर? हाँ। नहीं, कभी कभी। लेकिन परियो, अब मुझसे मेरी पसंद क्यों पूछ रही? अब फल तो आपको खाना है ना। हाँ, फल तो हम दोनों को ही खाने हैं। हाँ। लेकिन वो क्या है, पृथ्वी लोक के फलों की जानकारी आपको सबसे ज्यादा है, इसलिए हम आपकी सलाह लेने आए बालवीर। हाँ। तो बताइए ना बालवीर, आपको कौन सा फल ज्यादा पसंद है? हाँ। अच्छा, अनानास बहुत अच्छा होता है। अनानास और केले, अगर कोई आदमी केले ले ले तो वो एक बार में 5-6 तो खा ही जाता है, इसलिए मुझे ये भी पसंद है। अच्छा। लेकिन ये कभी कभी अच्छे लगते हैं। कभी कभी? अच्छा। और हाँ, आम, आम तो फलों का राजा होता है। हाँ, हाँ, और इसलिए मुझे वो भी पसंद है, लेकिन सिर्फ गर्मी। अब बालवीर, ये अनानास, पपीता, केले, वो सब तो
ठीक है, लेकिन आपका सबसे पसंदीदा फल कौन सा है? हाँ। वो हमें बताइए ना। वो बताइए। हाँ, काले अंगूर। अगर किसी ने मुझे काले अंगूर दे दिए ना, तो मैं इन फलों की तरफ देखूंगा भी नहीं। देव, आप दोनों ने मुझे काले अंगूर याद दिलाकर मुंह में पानी डाल दिया। अरे बालवीर, आपको किसी बच्चे की माँ को ढूंढने जाना था ना? हाँ। आप जल्दी जाइए। हाँ, बालवीर जाइए। अरे मैं भूल ही गया था, आप दोनों के साथ बात करते मुझे उस बात का ख्याल ही नहीं रहा। अब मैं चलता हूँ। परियो। हाँ। ठीक है बालवीर। काले अंगूर। आल पाल परी, हमारा काम तो हो गया। अभी हुआ नहीं भटकाती परी, अभी तो हमें परीलोक की उत्तर दिशा में जाकर अंगूर बाग से काले अंगूर इकट्ठे करने हैं। हाँ। ताकि आयोजक परियां बालवीर के लिए उसका केक बना सके। अब तो मुझे इन परियों से पहले अंगूर बाग पहुंचना होगा। चाहिए थे ना तुम्हें बालवीर? परियां इन्हें काले अंगूर समझकर परीलोक ले जाएंगी। बेचारी परियों को पता नहीं कि महाविनाशिनी ने इसमें जहर मिलाया हुआ है, बुराई का जहर। इस अंगूर को खाते ही सारे बच्चे और बालवीर सदियों के लिए गहरी नींद में सो जाएंगे। अंगूर उद्यान पहुंच चुके हैं। वो देखिए, काले अंगूर। हाँ फटकाती परी, चलिए। तो आर पार परी, पूरा उद्यान काले अंगूरों से भरा हुआ है। हाँ भटकाती परी, चुन लेते हैं इन अंगूरों को ताकि आयोजक परियां बालवीर के लिए इनका केक बना सके। हाँ। चलिए भटकाती परी। जी। उस चिट्टू ने तो हमें फंसा दिया। उल्लू का पट्टा, गदा, देवकू, जो मिलेगा ना मुझे उतना। अरे बस 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 बॉस, आप इतना गाली क्यों दे रहे हैं? तू कहाँ से टपका रहे? हम टपका नहीं है, हम प्रकट हुआ है।
मतलब सामने प्रकट हुआ आपके पीछे से, पीछे ही तो था मैं। अरे वो पीछा तो मोटे नहीं छोड़ रही है मेरा। तुझे मैंने बोला था उसका कुछ इलाज ढूंढा तूने? ढूंढा बॉस। हाँ छोड़ा। शीशी फिर से शीशी, यही तो शीशी। सुनो तो सही, ये दोस्ती वाला इत्र नहीं है, इसमें नफरत वाला इत्र है। आप इस इत्र को उस मोटी पे छिड़क दो, फिर वो मोटी आपसे नफरत करेगा और आपके मुंह पे बेवकूफ कजा उल्लू का पट्टा ऐसा बोलेगा मेरी और रोहित की तरह। मैं मुंह पे नहीं बोलता। हाँ तुम दोनों को तो मैं बाद में दिख लूंगा, पहले उस मोटी से पीछा छुड़ाता हूँ। देखो वो मोटी जा रहा है। हाँ? हाय फ्रेंड। हाय। डाली तुझे चोट तो नहीं आई? तूने डॉली को गिराया ना? मैंने देखा, अब तू देख, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाबा, अबे रुक जा। पहले और बाबा मेरा फ्रेंड है। नहीं उसने तेरे को गिराया। पर परी, हम परीलोक में प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहे? ये क्या हो रहा है आरपार परी? शायद सुरक्षा कवच के कारण भटकाती परी। आपको याद है रानी परी ने एक विशेष सुरक्षा कवच बनाया है ताकि महाविनाशिनी परीलोक में प्रवेश ना कर सके। अरे हाँ आरपार परी, पर अब हम अंदर कैसे जाएंगे? हाँ भटकाती परी, हमें रानी परी को किसी भी तरह ये संदेशा भेजना होगा कि हम बालवीर के ये काले अंगूर लेकर आ गए हैं। और ये तो सुरक्षा भोपू बजने की आवाज है हरपार परी, इसके बजने का मतलब तो ये है कि कोई बुरी शक्ति सुरक्षा कवच के अंदर प्रवेश कर रही है। लेकिन भटकाती परी, यहाँ तो सिर्फ हम दोनों ही हैं, कोई बुरी शक्ति कहीं नजर नहीं आ रही। इस जहरीले अंगूर के साथ परियां परिलोक में प्रवेश नहीं कर पाएगी। किसी तरह परियों का ध्यान बांटना है। अगर परियों को पता लग गया कि अंगूर जहरीले है तो मेरी सारी योजना सफल हो जाएगी। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो दोस्तों। ये है मध्य प्रदेश के तनिष महाजन जो बने हैं हमारे इस हफ्ते के मैं भी बालवीर विजेता, जिनके साथ आई है उनकी माँ शीतल जी। नमस्ते। तो दोस्तों आइए जानते हैं तनिष से कि उन्होंने क्या अच्छा काम किया है। तनिष, मेरा नाम तनिष माधव है, मैं करवन मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैंने अपना जन्मदिन स्पेशल बच्चों के साथ मनाया। मैंने उनको अतरा पलंग बाते है, उनके साथ केक खाता है, पफियां बाती है। ये शिक्षा बालवीर से मिली। थैंक यू बालवीर। मुझे मेरे बेटे के ऊपर बहुत गर्व है जो उसने छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सोच रखी, और उसकी सोच को उसके दादा दादी और उसकी स्कूल ने बहुत योगदान दिया, और उसे यह सब प्रेरणा बालवीर से मिली। थैंक यू बालवीर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों तनिष के इसी अच्छे काम के लिए इन्हें भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। तो दोस्तों अगर तनिष की ही तरह आपने भी किया है कोई अच्छा काम या फिर की है किसी की मदद तो हमें लिखकर भेजिए इस पते पर, या फिर लॉग ऑन कीजिए subtv.com पर, क्योंकि अब हर बच्चा बनेगा बालवीर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।